सर्दियां आ चुकी हैं, जिस तरह से हम सर्दियों की तैयारी कर लेते हैं, अपने शॉल, स्वेटर, जैकेट्स, ब्लैंकेट्स वगैरह को रेडी रख लेते हैं, इसी तरह से एक तैयारी और हमें कर लेनी चाहिए, और वो तैयारी है इंग्लिश विंटर वोकैबुलरी की, ताकि विंटर्स में एक पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए हमारे पास पर्टिकुलर वर्ड हो, जिससे हमारा इंग्लिश कम्युनिकेशन बहुत बेहतर हो सके। तो चलिए सीखते हैं इंग्लिश विंटर वोकैबुलरी। कड़कड़ाती सर्दी में, बहुत कड़ाके की ठंड में गर्मा गर्म समोसा और गर्म गर्म चाय, इसका कॉम्बिनेशन हम सभी में से बहुत से लोगों को पसंद होता है और मज़ा भी बहुत आता है इसे खाने में। लेकिन समोसा और चाय इसे खाने का तभी मज़ा है जब ये गर्मा गर्म हो। गर्मा गर्म को अंग्रेज़ी में पाइपिंग हॉट कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, चाय गर्म है, टी इज़ पाइपिंग हॉट। समोसा भी गर्म है, समोसा इज़ ऑल्सो पाइपिंग हॉट। अब कोई खाने या पीने की चीज़ जिससे गर्म होना चाहिए लेकिन वो ठंडी हो, जैसे समोसा, हम सभी गर्म समोसा, पाइपिंग हॉट समोसा ही पसंद करेंगे, लेकिन पड़े पड़े कई बार वो ठंडा हो जाता है, तो हम कहते हैं कि समोसा ठंडा हो गया या चाय पड़े पड़े ठंडी हो गई। तो इस केस के अंदर कोई खाने पीने की चीज़ जिससे गर्म होना चाहिए जब वो ठंडी हो, तो उसके लिए प्रॉपर वर्ड लगता है स्टोन कोल्ड। फॉर एग्ज़ाम्पल, टी इज़ स्टोन कोल्ड, चाय ठंडी है। हम इसके लिए ल्यूकवॉर्म वर्ड का भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे टी इज़ ल्यूकवॉर्म, चाय ठंडी है। और एक और वर्ड लगता है टेपिड। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई डू नॉट लाइक टेपिड टी, मुझे ठंडी चाय पसंद नहीं है। हमने ट्रेन में ट्रैवल किया और जो खाना हमें मिला वो ठंडा था, यानी वो स्टोन कोल्ड था या ल्यूकवॉर्म था या फिर टेपिड फूड। तो टेपिड वर्ड या ल्यूकवॉर्म वर्ड या फिर स्टोन कोल्ड वर्ड, इनका प्रयोग किया जाता है खाने या पीने की उन वस्तुओं के लिए जिसे गर्म होना चाहिए लेकिन वो ठंडी हो। अब सर्दी के मौसम में हम एक काम और करते हैं, जैसे हीटर लगा हुआ है तो हम इसमें कई बारी इस तरह से अपने हाथ सेकते हैं, जब नहा के आए, ठंड लग रही है तो हम इस तरह से हाथ सेकते हैं। हाथ सेकने को इंग्लिश में वॉर्म हैंड्स कहा जाता है। अब अगर मैं हीटर पे अपने हाथ सेक रहा हूँ, जैसे मैं इस समय हीटर पे अपने हाथ सेक रहा हूँ, सो आई एम वॉर्मिंग माई हैंड्स बाय द हीटर, यहाँ पे प्रेपोजिशन लगती है बाय। इसी तरह से बॉनफायर, यानी कि जो लकड़ियों को लोग इकट्ठा करके जलाते हैं उसे बॉनफायर कहते हैं। अगर आप बॉनफायर पे भी अपने हाथ सेकेंगे तो उसके लिए भी बाय प्रेपोजिशन लगती है, आई एम वॉर्मिंग माई हैंड्स बाय बॉनफायर। लेकिन कई बारी क्या होता है, हम गरम गरम चाय दूध के गिलास पे इस तरह से हाथ सेकते हैं, इस तरह से उसे पकड़ते हैं ताकि हमारे हाथों को गर्माइश मिल सके, तो इस केस में भी हमने वॉर्म हैंड्स ही बोलना है लेकिन बाय प्रेपोजिशन नहीं। इस केस में हमें अगेंस्ट का प्रयोग करना है, आई एम वॉर्मिंग माई हैंड्स अगेंस्ट द कप ऑफ टी, मग ऑफ टी या ग्लास ऑफ टी, इस तरह से हम इसे प्रयोग करते हैं। तो वॉर्म हैंड्स मतलब हाथ सेकना, बाय द हीटर या फिर अगेंस्ट द कप या ग्लास, व्हाटएवर। बहुत ठंड लग रही है। मेरा एक आइडिया था कि विंटर वोकैबुलरी की जो मैं वीडियो बनाऊंगा वो मैं सर्दी में ही बनाऊंगा। आइडिया अच्छा था, इट साउंड्स गुड एक्चुअली, लेकिन पंगा ले लिया मैंने क्योंकि मुझे कुछ ज़्यादा ही ठंड लगती है। वैसे भी जनरली अभी तो बहुत लग रही है, मैं इनफैक्ट कहाँ भी रहूँ वो वीडियो में शायद दिखेगा नहीं, थोड़ी सी कंपन हो रही है। तो चलिए इसी की इंग्लिश बताता हूँ। सर्दी से कांपने को इंग्लिश में शिवर विद कोल्ड कहा जाता है। शिवर का मतलब होता है कांपना। अगर ठंड की वजह से कांपेंगे तो शिवर के साथ विद कोल्ड लगाना होगा, जैसे आई एम शिवरिंग विद कोल्ड। शिवर का प्रयोग हम डर से कांपने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे वो बच्चा डर से कांप रहा है, दैट चाइल्ड इज शिवरिंग विद फियर। ठंड से कांपना शिवर विद कोल्ड, और डर से कांपना शिवर विद फियर। इसी तरह से एक और वर्ड होता है शडर। शडर का मतलब भी होता है कांपना। अब अगर हम ठंड से कांपेंगे तो शडर विद कोल्ड, वही जैसे फियर में शिवर में हमने सीखा, ठीक है। देखो कंपन की वजह से मेरी जबान भी लड़खड़ा रही है। तो जैसे हमने शिवर विद कोल्ड सीखा, ऐसे ही शडर विद कोल्ड, और फिर इसी तरह से शिवर विद फियर सीखा था, वैसे ही शडर विद फियर मतलब डर से कांपना। एक वर्ड और होता है ट्रेम्बल, इसको जरूर ध्यान से सुनिए। ट्रेम्बल वर्ड इज नॉट जनरली यूज्ड विद कोल्ड, इसका प्रयोग डर से कांपने के लिए या उत्तेजना से कांपने के लिए। तो ट्रेम्बल विद फियर या फिर ट्रेम्बल विद एक्साइटमेंट, इसको ऐसे यूज किया जाता है, जैसे शी वॉज सो एक्साइटेड टू मीट शाहरुख खान दैट शी वॉज ट्रेम्बलिंग विद एक्साइटमेंट। अब उसको शाहरुख खान से मिलने का इतना वो था, उसको बताया कि अभी शाहरुख खान आ रहे हैं तो कांपने शुरू कर दिया उसने, तो शी वॉज ट्रेम्बलिंग विद एक्साइटमेंट। तो ट्रेम्बल का मतलब एक्साइटमेंट या डर से कांपना,
और ठंड से कांपने के लिए शिवर विद कोल्ड या शडर विद कोल्ड। इस वीडियो को आगे भी देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा, बहुत बढ़िया बढ़िया तरीके से मैं वीडियो प्लान किया है और बहुत अच्छा लगेगा, तो देखते रहिए। तब तक मैं अपना कुछ ठंड का जुगाड़ करता हूँ, ठीक करता हूँ। इस तरह के इनर वियर को अंग्रेज़ी में बेस लेयर, थर्मल वियर और इसे लॉन्ग अंडर वियर भी कहा जाता है। अंडर वियर शब्द का मतलब यही नहीं होता कि ब्रीव्स, पैंटीज या ट्रंक्स। अंडर वियर शब्द का मतलब होता है जो भी कपड़ा हम मेन कपड़ों के अंदर पहनते हैं, क्लोथ्स दैट आर नेक्स्ट टू स्किन, दैट इज़ कॉल्ड अंडर वियर, उसे अंडर वियर कहा जाता है। इसलिए इसे लॉन्ग अंडर वियर कहा जाता है। जो बॉडी के अपर पोर्शन में पहना जाता है इसे जनरली थर्मल टॉप कहते हैं, लेकिन इसके लिए प्रॉपर वर्ड होता है थर्मल वेस्ट। इसी तरह से जो बॉडी के लोअर पोर्शन में पहना जाता है जनरली इसे थर्मल बॉटम कहा जाता है, लेकिन इसके लिए प्रॉपर वर्ड होता है लॉन्ग जॉन्स। इसे पहनने से हम कोजी फील करते हैं। कोजी का मतलब होता है कंफर्टेबल एंड वार्म, यानी गर्म और आरामदायक। कोजी शब्द की बजाय हम स्नग वर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू एक्चुअली वांट टू स्टे स्नग इन द विंटर्स देन डू वियर थर्मल वियर। बहुत ज़बरदस्त ठंड को यानी कड़कड़ाती सर्दी को अंग्रेज़ी में बोन चिलिंग, ब्रास मंकी वेदर, फ्रीजिंग या चिली भी कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमें ये बोलना हो कि आज बहुत ज़बरदस्त ठंड है, कड़कड़ाती सर्दी है, तो इसे अंग्रेज़ी में कहेंगे इट्स बोन चिलिंग टुडे। बोन चिलिंग मतलब इतनी ज़बरदस्त ठंड है, हड्डियाँ जमा देने वाली ठंड है। सो बोन चिलिंग, इट्स बोन चिलिंग टुडे। इट्स ब्रास मंकी वेदर, ब्रास मंकी वेदर एक idiom है जिसका मतलब होता है बहुत ज़बरदस्त ठंड। इसी तरह से इट्स चिली टुडे ऐसा भी कहा जा सकता है। और लास्ट में इट्स फ्रीजिंग। फ्रीजिंग शब्द का प्रयोग हम अपने लिए भी कर सकते हैं। जैसे हम जनरली बोलते हैं कि मेरे हाथ ठंड की वजह से जम रहे हैं, माई हैंड्स आर फ्रीजिंग, मैं बर्फ़ जैसा जम रहा हूँ, ठंड की वजह से जम रहा हूँ, आई एम फ्रीजिंग। इसका मतलब है कि मुझे बहुत ज़बरदस्त ठंड लग रही है। सर्दियों में हम सभी की फेवरेट मूंगफली की पट्टी होती है। मूंगफली की पट्टी को अंग्रेज़ी में जैगरी पीनट पट्टी कहा जाता है। इसी तरह से बहुत सारे लोगों को तिल की गज्जक भी बहुत पसंद होती है। तिल को अंग्रेज़ी में सेसमी सीड कहा जाता है। इसकी सही प्रोनंसिएशन होती है सेसमी। और फिर इसी तरह से खजूर भी बहुत लोगों की फेवरेट होती है और ये सेहत के लिए भी बहुत अच्छी होती है। खजूर को अंग्रेज़ी में डेट्स कहते हैं। ये वाली जो खजूर है ये बिना बीज के है, इसलिए इसे सीडलेस डेट्स कहा जाता है। शीतलहर को अंग्रेज़ी में कोल्ड वेव, कोल्ड विंड, बिटर विंड, फ्रीजिंग विंड या चिली विंड भी कहा जाता है। इसे अंग्रेज़ी में ईयर मफ्स कहा जाता है। इस तरह की कैप को अंग्रेज़ी में बिनी कहा जाता है। अगर एक है तो बिनी और अगर एक से ज़्यादा हैं तो बिनीज। कैप के ऊपर के इस पोर्शन को अंग्रेज़ी में पॉम्पॉम, पॉम्पॉन या बॉबल भी कहा जाता है। रजाई को अंग्रेज़ी में क्विल्ट कहा जाता है और जिसकी थिकनेस कम हो इसे कंफर्टर कहा जाता है। और कंबल की अंग्रेज़ी होती है ब्लैंकेट। पहले मैंने जैकेट पहनी हुई थी और अब मैंने शॉल लपेट ली है। पहनने को तो इंग्लिश में वियर बोलते हैं, लेकिन लपेटने या ओढ़ने को, जैसे भी मैंने शॉल ओढ़ी या लपेटी, इसके लिए इंग्लिश में वर्ड लगता है मफल। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई हैव मफल्ड माई सेल्फ इन दिस शॉल, यानी कि मैंने अपने आप को इस शॉल में लपेट लिया है, ठीक है, या इसे ओढ़ लिया है। अच्छा, कई बार हम क्या करते हैं, हम इस तरह से मफल कर लेते हैं और कई बार हम मफल नहीं करते, यानी कि लपेटते नहीं है, बस ऐसे रख लेते हैं। शॉल को भी रख लेते हैं, कई बार हम जैकेट्स को ऐसे रख लेते हैं। तो इस तरह से किसी शॉल या जैकेट को रखने के लिए जो वर्ड लगता है इंग्लिश में, दैट इज़ ड्रेप। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई हैव ड्रेप्ड दिस शॉल ऑन माई शोल्डर्स, यानी मैंने अपने शोल्डर्स के ऊपर ये शॉल रख ली है। खैर, अब धूप बहुत अच्छी आ गई है और मेरे को बेंच भी दिख गया है, तो क्यों ना मैं यहाँ पर थोड़ी देर धूप सेक लूँ। धूप सेकने के लिए इंग्लिश में प्रॉपर वर्ड होता है बास्क इन द सन। टू बास्क इन द सन मीन्स धूप सेकना। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं धूप सेक रहा हूँ, आई एम बास्किंग इन द सन। चलिए अब देखते हैं वो फनी मोमेंट्स जो इस वीडियो को शूट करने के दौरान हुए। गर्मा गर्म समोसे और गर्म गर्म चाय का कप मिल जाए तो बात ही क्या। ऐसा लग रहा है बेच रहा हूँ कुछ। तिल के बीज यानी सेसमी सीड्स, और इसी तरह से खजूर या नौटंकी नहीं लग रही है।
दिखाइए एक बारी। कड़ाती सर्दी में, कड़ाके की ठंड में, कड़ाके की ठंड, कड़ाके की ठंड, हमें थर्मल बॉटम कहते हैं, कहते हैं, कोई बात नहीं दोबारा करेंगे, लेकिन इसे पट्टी को अंग्रेजी में जैगरी पीनट पट्टी कहा जाता है। और ये था आ जा दोबारा। थर्मल वियर कहा जाता है, ठीक है। पहनने की वस्तु जो बहुत गर्म हो, तो उसके लिए फोन आ गया, आईफोन आ गया भाई का। मूंगफली की पट्टी है ना, अच्छा हिंदी भूल गया था। पर इसके लिए वर्ड होता है जॉन लॉन्ग्स, लॉन्ग जॉन्स। कम हो इसे कंफर्टर कहा जाता है, और कंबल मैं कह रहा था ब्लैंकेट होता है। हम सभी को ये बहुत पसंद होता है। अबे एक रॉड तो जलाई नहीं। काड़ा हीटर। ज़्यादा दूर मत जाइयो, पता लगे प्रोडक्ट ही नहीं दिखेगा। इसको हाईलाइट करना है हमने, ठीक है, ऑन है। कहा जाता है इसी तरह से तिल को, ये गज्जक तिल से बनती है, सेटिंग नहीं बैठ रही, तिल की गज्जक। आई होप इस वीडियो को देखकर आपको अपने इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स को और ज़्यादा बेहतर बनाने में बहुत मदद मिली होगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा अपने फोर्थराइट कमेंट्स ज़रूर दीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इंस्टाग्राम आईडी गौरव मोटिव रूम को भी फॉलो कीजिए।